हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूछो पर लोग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं 12 बजे से। आज मैंने सोचा, वैसे हमें कुछ कंटेंट तो मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मतलब स्पेशल तो क्या, पहाड़ी जो हमारी दाल होती है वो बना रही हूँ। पहाड़ी दाल से लोग सोचते हैं कि भटके डुबके या भटके चुटकानी, नहीं, मेरी एक फेवरेट दाल है पहाड़ी, वो है गहत की दाल। तो मैंने सोचा आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ और दिखाऊँ आपको कि गहत की दाल होती कैसे है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो गहत की दाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज वो बनाती हूँ क्योंकि आज हस्बैंड जी भी आ रहे हैं दिन में खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा वही बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से गहत की दाल नहीं बनाई थी, तो आज हम वही बना रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। और सृष्टि की फेवरेट दाल है, क्योंकि जब सृष्टि, मैं प्रेग्नेंट थी, सृष्टि मेरे पेट में थी, मैंने बहुत गहत की दाल खाई है, तो शायद इसी वजह से इसको पसंद है। तो अभी मैं वही बना रही हूँ और आपको वो रेसिपी भी दिखाती हूँ कैसे बनती है, और दिखाती हूँ गहत की दाल होती कैसी है। ये रही, मैंने गहत भिगो दी है, मतलब भिगाए के अभी धोए हैं, और इसमें लोबिया भी ऐड किए हैं। इसको वैसे रेस कहते हैं शायद पहाड़ी में लोबिया को। और ये है हमारी गहत की दाल, कुछ ऐसी दिखते हैं गहत की दाल। हम इसको बनाने, मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद मैंने एक गहत की दाल अपने कुकर में डाल दी है। मैंने इसमें अपनी गहत की दाल पूरी ऐड कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। उबालने तक इसमें ऐड करेंगे, तो हमने वाटर ऐड कर दिया उबालने के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे उबालते टाइम ही नमक, हल्दी, ऐड करेंगे धनिया पाउडर उबालते टाइम ही, क्योंकि आज मैं आराध्या को नहीं दे रही हूँ, तो मैं इसमें सब कुछ ऐड करूँगी उबालते टाइम। ढक्कन और ये कुछ टाइम के लिए, कम से कम 5-6 सीटी आने तक इसमें पकाने के लिए छोड़ देंगे हल्की आँच में। मेरा दाल में तड़का लग रहा है, तब तक देख सकते हैं आप मेरे बच्चे कैसे खेलते हैं, टीवी देखते हैं, ये भी देख रही है और वो भी देख रही है। ऐसे चारों तरफ से मैं इसके तकिया लगा देती हूँ ताकि ये गिरे ना नीचे, ये खेलती रहती है, पलटती है ना। बड़ा हो गया है ना, मैं भी बड़ा हो गया। आप भी बड़े हो ना। मम्मा क्या बना रही हूँ? मैं क्या बना रही हूँ? हाँ। दाल और भत्तू। खाओगे? चॉप कर लिया है यहाँ पे प्याज, लहसुन और टमाटर, एक टमाटर, एक प्याज और 10 से 15 कली जो है मेरी लहसुन की काटी है मैंने। आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, काफ़ी महंगे हो चुके हैं। जीरे और घी का तड़का भी मारेंगे, काफ़ी टेस्टी बनता है। अभी मेरे पास था तो मैंने टमाटर ही यूज़ किया है। ये सब कुछ ऐड करिए। मेरी 5-6 सीटी के बाद दाल भी उबल चुकी है और मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी घी, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मेरा घी भी गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने ऐड इसमें किया जीरा, फिर किया ऐड इसमें हींग, और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें प्याज, और फिर उसके बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। भून रहे तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन साथों साथ, मैंने चॉप किया था लहसुन को भी अच्छे से भून लें प्याज के साथ साथ, गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, भूनते हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हमने नमक पहले भी डाला हुआ है, इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी, वापस वही चीज़ें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ा थोड़ा मैंने कम डाला था, तो मैंने डाल दिया वापस। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और इसी टाइम पे गले ना करके हम इसमें जो इसी का वाटर है वो ही ऐड करेंगे। हमारा टमाटर प्याज भी अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गहत। तो मैंने अपने गहत इसमें ऐड कर दिए हैं।
दाल हो गई है रेडी, कुछ ऐसा उबाल आ गया है। हम दो ही लोग हैं वैसे तो, हो जाता है हमारे इतने से। सो हमारा खाना हो चुका है रेडी, मेरा हमारा सैलेड नींबू डाल के बहुत टेस्टी होता है, और हमारे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। आ रही है रही आराध्या, बत्तू खा रही है। खाना खाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये रहे हैं तो अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एक नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।